हेलो गाइस, अगर आपको 20,000 के रुपए से कम के प्राइस बजट पर एक वैसे स्मार्टफोन लेना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि रियलमी 15 अप्रैल को इंडिया के अंदर बजट सेगमेंट में रियलमी पी सीरीज को लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर दो न्यू इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होंगे। एक होगा रियलमी पी 1 5G और दूसरा होगा रियलमी पी 1 Pro 5G। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल Realme P1 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्मार्टफोन में दोस्तों क्या फीचर वगैरह दिया जाएगा, कौन से प्राइस पर यह स्मार्टफोन आने वाला है और ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सब कुछ जानने के लिए। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं Realme P1 5G स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। एक सर्कुलर शेप के अंदर ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि दोस्तों एलईडी लाइट के सपोर्ट के साथ में आता है। फ्रंट साइड में दोस्तों ये स्मार्टफोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ में आने वाला है और दोस्तों सेंटर कंसोल कैमरा कटआउट दिया गया है। तो दोस्तों, डिजाइन में ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया होने वाला है। Realme P1 5G स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन रेड और ग्रीन कलर के साथ में आने वाला है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.67 इंच की बड़ी साइज की फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला है। डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड किया गया है, AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, कंटेंट वाइज यहां बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आउटडोर हो या फिर इनडोर हो, आपको ब्राइटनेस को लेकर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले काफी बढ़िया होगा। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के लिए MediaTek की तरफ से आने वाले प्रोसेसर MediaTek Dimensity 750 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। 5.5 लाख के करीब एंटीटू स्कोर को निकाल के देता है। ये प्रोसेसर दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोसेसर है, काफी सारे फोन में हमने देखा है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, चाहे नॉर्मल यूज हो चाहे हाई यूज हो, आपको दोस्तों किसी भी यूज में दोस्तों ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। इस प्रोसेसर को दोस्तों हमने ओप्पो Reno10 5G, Realme 11 Pro 5G, Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन और ओप्पो Reno11 5G स्मार्टफोन ने हमने यही प्रोसेसर देखा है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन 2 RAM ब्रांड के साथ में आने वाला है, 6GB एंड 8GB। स्टोरेज टाइप रहेगा दोस्तों 128GB और 256GB। रैम टाइप रहेगा दोस्तों LPDDR5 और स्टोरेज टाइप रहेगा UFS 2.1। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आने वाला है। Realme UI देखने को मिल जाएगा इसमें। दोस्तों, कस्टमाइज करने के लिए काफी सारे फीचर तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ब्लूटूथ आपको देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों काफी लोगों को पसंद नहीं आता है। 5000 mAh की दोस्तों मैसिव बैटरी दिया जाएगा और इसे चार्जिंग करने के लिए 45W की सुपर बुक चार्जिंग। तो दोस्तों, बैटरी और चार्जिंग को लेकर कमाल का होने वाला है। 45W की सुपर बुक चार्जिंग दिया जाएगा, तो दोस्तों बहुत ही जल्दी से चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ और फीचर के बारे में बात करते हैं। तो अंडर रिफ्रेशमेंट सेंसर, IP65 रेटिंग, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए आयर ब्लास्टर यूजेस सपोर्ट, 5G कनेक्टिविटी के साथ में आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस स्मार्टफोन में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें से 50 MP का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। और दोस्तों, OIS के सपोर्ट के साथ में आने वाला है। तो दोस्तों, फोटो और वीडियो लेने के बाद कैमरा ज्यादा सेक नहीं होगा, जिसके वजह से दोस्तों कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बाकी कैमरा के स्पेक निकल के अभी नहीं आए हैं, आने वाले कुछ ही दिन में इसके सभी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएंगे। ये स्मार्टफोन दोस्तों 15 अप्रैल को इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो 15,000 के अराउंड में आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फोन को लेकर, अपने राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।